गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं आ गई हूँ एक नया व्लॉग लेकर के। तो आज सबसे पहले तो सबको थैंक यू कि मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, है ना। क्योंकि जब आप नया कोई काम स्टार्ट करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ते हैं। तो जब आप एक एक स्टेप चलते जाते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो वही है, अभी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में जब थोड़ा सपोर्ट मिलता है तो बहुत खुशी होती है। तो इसके लिए प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिएगा। और अभी आज मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था लास्ट व्लॉग में कि मैं आपको दिखाऊंगी जल्दी से अपना किचन गार्डन। तो मैं आज आपको लेके जाने वाली हूँ अपने किचन गार्डन में, क्योंकि हमने मैंने एक बार ही आपको दिखाई थी कोदे की रोटी और राई की सब्जी। तो राई की सब्जी यहाँ पर तो मिलती नहीं है, राई की सब्जी यहाँ पर नहीं मिलती है। राई की सब्जी हमारे साइड में ही मिलती है उत्तराखंड में, बट हम वहाँ से हम लेके आए हैं बीज, तो हमने यहीं पर लगाए थे और वो हो गए। तो हम उसी वहीं से लेते हैं, अपने किचन गार्डन से ही लेते हैं। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, अपना किचन गार्डन में विजिट कराने वाली हूँ। तो वहाँ पर सुंदर सुंदर फूल हैं, लेके चलते हैं और बताती हूँ मैं आपको अपना किचन गार्डन। तो चलिए फिर। यहीं पर इस बारी हमने करवा चौथ की जो पूजा होती है ना, वो हमने बाहर यहीं पर की थी। अदरवाइज हम हमेशा पार्क में करते थे सारे मिलके, बट कोविड की वजह से इस बारी हम लोगों ने अंदर यहीं पर की थी लोन में। और अभी तभी भी हम लोग 15-20 लोग हो गए थे, तो यहीं पर ही करते हैं हम अपनी पूजा। देखिए कितने अच्छा लग रहा है। आ गए हैं हम अपने यहाँ पर, देखिए ये तुलसी मैया और ये फ्लावर्स लगा रखे हैं थोड़ा, और मनी प्लांट, और यहाँ से नींबू का प्लांट है। ये अभी लगे नहीं है इसमें नींबू, बट नींबू का है, देखिए कितना अच्छा है। और ये मेहंदी का पेड़ है, जो मेहंदी हम बालों पे लगाते हैं ना, ये उसका पेड़ है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, हरा भरा। ये देखिए कितना बड़ा तो हो गया अभी। ये है, यहाँ पर तुलसी वगैरह लगी है और ये प्लांट्स लगे हैं, तो ग्रीनरी भी बहुत अच्छी लगती है। ये रही, ये देखिए फ्लावर, ये नीचे गेंदे का फूल, ये देखिए ये वाला तो बहुत ही प्यारा है, ये वाला कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर ये वाले भी रेड कलर के फूल हैं, उनका नाम मुझे नहीं पता, बट बड़ा सुंदर है। ये देखिए ये वाला और ये वाला, छोटू सा भी है। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ आगे मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए यहाँ पर है पालक। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, पालक हरा हरा बड़ा बड़ा, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए पालक लगा हुआ है, घर की सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है। और ये धनिया, हरा धनिया, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मेथी, ये है मेथी, ये मेथी है, कितनी अच्छी लग रही है। अभी थोड़ी छोटी छोटी हो रही है, बट अच्छा। और ये रहा, ये रही राई की सब्जी, अभी बस ये थोड़ा सा लास्ट ही है अभी, बट ये देखिए इसके फ्लावर ऐसे लगते हैं जैसे सरसों की तरह। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे फूल हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पर पुदीना लगा है, और यहाँ पर ही ना, यहाँ पर थोड़ा वो भी लगते हैं अपने आप ही ना, बरसात के टाइम पे अपने आप ही यहाँ पर अरबी के पत्ते हो जाते हैं, जिससे हम पत्तेड़ बनाते हैं,
होके आ गए नीचे से किचन गार्डन में। आपने देखा कि कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। आपने देखा वहाँ मेहंदी का पेड़ भी है छोटा, और नींबू है, अभी लगे नहीं है बट है, और फ्लावर्स और टाइम बहुत सारे होते थे, इस बारी थोड़े से कम है, और वहाँ पर मेथी राई की सब्जी और धनिया पालक अच्छा रखा है, तो ऐसे ही लगता रहता है। बैंगन वगैरह भी बहुत लगते हैं, सीजनिंग होती है ना सब्जी, वो बहुत लगती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और वैसे भी घर की सब्जी तो जो होती है वो फ्रेश बड़ा अच्छा लगता है खुद की। तो अभी वहाँ पर अरबी के पत्ते भी लगते हैं, जहाँ पर पुदीना था वहाँ पर अरबी के पत्ते अपने आप ही हो जाते हैं, और वहाँ उसके पत्तियोड़ वगैरह जो होते हैं बड़े टेस्टी होते हैं। जब लगेंगे तो मैं आपके साथ बताऊँगी कि हमारे उत्तराखंड में कैसे बनाते हैं। तो अभी मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विच इज व्लॉग्स विद रजनी कोठारी, तो और प्रेस बेल आइकन। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।